स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी ऑफ फॉर ए सिंगल पार्टिकल। हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कर चुके हैं, हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर चुके हैं, आज हम करेंगे कंजर्वेशन फॉर एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक पार्टिकल को पोजिशन वन से पोजिशन टू तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, उस वर्क की एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे और उसके बाद हमारी एनर्जी एक्सप्रेशन अपने आप आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट? सो डियर स्टूडेंट, कंसीडर ए सिंगल पार्टिकल ऑफ मास m, और ये जो मास m है, ये जब तक मैं आपको ना कहूं तब तक आप इसे पूरे क्लासिकल मैकेनिक्स में कांस्टेंट मानिएगा। ठीक है, दिस मास इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। यानी जब तक मैं ना कहूं तब तक मास क्या बच्चों, कांस्टेंट है। आज के बाद वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स एफ इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम पोजिशन वन टू पोजिशन टू कैन बी रिटन एज। डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल के ऊपर एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है। आपने पहले जो वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा वो पढ़ा बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन। वो फॉर्मूला बच्चों कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट ही हो। जैसे ये चौक है मेरे पास, इस चौक के ऊपर जो अर्थ फोर्स लगाती है वो कांस्टेंट फोर्स होता है एम जी। बट डियर स्टूडेंट, एक स्प्रिंग किसी पार्टिकल के ऊपर अगर कोई फोर्स लगाता है तो वो फोर्स वेरिएबल होता है, एफ इक्वल्स माइनस के एक्स, आपने पढ़ा है पहले। यानी दैट फोर्स इज ए वेरिएबल फोर्स। तो हमने यहां फोर्स वेरिएबल लिया है और पार्टिकल को पोजिशन वन से पोजिशन टू पे हमने उस फोर्स की मदद से डिस्प्लेस किया। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा फ्रॉम वन टू टू, दिस कैन बी रिटन एज। डियर स्टूडेंट, वन टू टू डब्ल्यू वन टू टू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस इंटीग्रल वन टू टू। डी एस इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे हमने वर्क निकाला, उसका इंटीग्रेशन किया, सो वी विल गेट द टोटल वर्क डन। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट, हम कुछ पुराने इसमें फॉर्मूले यूज करेंगे। देखिए, एज वी नो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, एफ इक्वल्स एम ए बच्चों, ये पहले से आप जानते हैं। एंड एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये भी आप पहले से जानते हैं। नाउ स्टूडेंट, वेलोसिटी इज डी आर, और यहां पे मैं एस ले रहा हूं तो डी एस बाय डी टी। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, नाउ इन दिस इक्वेशन
डी वी अपॉन डी एस मल्टीप्लाइड डी एस बाय डी टी। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइड विद डी एस एंड डिवाइड बाय डी एस। अब अगर आप देखें तो ये और ये एक ही बात है, बट स्टूडेंट दिस डी एस बाय डी टी फ्रॉम दिस फॉर्मूला इज वेलोसिटी। आप वेलोसिटी की ये जो वैल्यू है यहां पर यूज करेंगे तो मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा ए इक्वल्स वी डी वी बाई डी एस। क्लियर? सो स्टूडेंट डब्ल्यू वन टू ये सारी चीज हम इसमें यूज करेंगे, देन आई विल गेट डब्ल्यू वन टू इज इक्वल टू एफ की जगह मैंने बच्चों एम ए किया, इंटीग्रल वन टू टू एफ इज इक्वल टू एम ए। एंड स्टूडेंट ए की जगह मैं ये लिखूंगा, सो डब्ल्यू वन टू इज इक्वल टू इंटीग्रल वन टू टू एम ए की जगह बच्चों वी डी वी बाय डी एस इंटू डी एस। दिस डी एस एंड डी एस इज कैंसल्ड आउट। वैसे ये समझाने का एक बच्चों वाला तरीका है कि डी एस से डी एस कैंसिल हुआ, एक्चुअल में ये ऐसे कैंसिल नहीं होता है क्योंकि डी एस इज नॉट ए नंबर, ठीक है, डी एस इज ए डिफरेंशियल चेंज इन एस। लेकिन समझने के लिए हम फिलहाल ऐसा कह सकते हैं कि डी एस से डी एस कैंसिल हुआ, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। सो डब्ल्यू वन टू इज इक्वल टू एम इज कॉन्स्टेंट बच्चों इंटीग्रल वन टू टू वी डी वी, वी का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वी, यहां पे बताएगा वी का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आपने करना है। सो डब्ल्यू वन टू इज इक्वल टू एम, आप जब एक्स का इंटीग्रल करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाय टू आता है, तो वी का इंटीग्रल आ गया यहां पे बच्चों वी स्क्वायर बाय टू वन से टू। सो डब्ल्यू वन टू इज इक्वल टू एम बाई टू, टू मैंने बाहर ले लिया, वी टू स्केयर माइनस वी वन स्केयर। देखिए जो हमारी लिमिट है 4.1 2.2, सो हम फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो माइनस इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो एट पॉइंट टू से वेलोसिटी वी टू, तो ये आएगा हमारा वी टू स्केयर माइनस वी वन स्केयर, एम बाई टू हम इसके अंदर ले जाएंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा हाफ एम वी टू स्केयर माइनस हाफ एम वी वन स्केयर। और ये जो क्वांटिटी है हाफ एम वी टू स्केयर हाफ एम वी वन स्केयर, ये आपने पहले भी देखी हुई है, ये काइनेटिक एनर्जी है। क्या बच्चों? सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट टू एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट वन। डब्ल्यू वन टू इज टी टू माइनस टी वन, वेयर टी टू इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्केयर एंड टी वन इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्केयर। दीज आर द काइनेटिक एनर्जी एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस आ गया कि नहीं? ये क्या था वर्क डन? ये क्या है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस? हम इसे शब्दों में लिख देते हैं, हैंस द वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट टू पॉइंट्स। क्लियर स्टूडेंट?
इट मीन्स जितना ज़्यादा आप वर्क डन करेंगे उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक फुटबॉल है और हमने कहा आपको कि आप उसे किक मारिए, आपने उसको किक मारी, इट मीन्स आपने वर्क किया बच्चों, और आपने इस पर वर्क किया है तो ऑब्वियसली बात उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, ये थ्योरम हमें बताती है। तो आप खुद देखिएगा जब आप उसको आप किक लगाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है कि नहीं, ऑब्वियसली बात तो होती है। अगर मैं कहता हूँ कि इस पर ज़्यादा वर्क करो यानी ज़्यादा तेज किक मारो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा चेंज होती है कि नहीं, वही बात ये एक्सप्रेशन हमें बताती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास बच्चों चोक है, अब मैंने इस चोक को यहाँ से रिलीज किया तो ये फर्श से जाके टकराएगा, फिलहाल इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ तो इसके ऊपर वर्क करता है ग्रेविटी, ग्रेविटी ने इस पर वर्क किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। अगर ग्रेविटी इस पर ज़्यादा वर्क करे तो काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा, यानी मैं इसको और ऊंची हाइट से छोड़ूंगा तो जब ये ज़मीन से टकराएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले से ज़्यादा होगी। क्लियर? तो जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे कहा है कि हमने एक फोर्स लिया जो कि एक वेरिएबल फोर्स है, ओके? इस फोर्स में कई कैटेगरी होती है, ठीक है, और उस कैटेगरी में एक फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। सो तो स्टूडेंट मैं ये कह रहा था कि जो एफ है हमारा, इस एफ में दो कैटेगरी है, एक वो फोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स, एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों को मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता है कि वो कभी भी जो वर्क करेंगे उस फोर्स के अगेंस्ट या उस फोर्स के द्वारा जब भी वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। एक तो उसका प्रॉपर्टी ये है कंजर्वेटिव का। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि वर्क डन ओवर ए क्लोज पाथ विल ऑलवेज बी जीरो, कि वर्क डन जब आप भी जहां जिस पॉइंट से आपने शुरू किया है अगर आप वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो वर्क डन विल बी जीरो। एग्जांपल सुनिएगा। सबसे पहले हम कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ये उतारना नहीं है आपने, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आप मान लीजिए एक बिल्डिंग है, इसकी छत पे खड़े हैं यहां पे, और आप यहां ग्राउंड से नीचे से एक बाल्टी पानी ऊपर लेके गए तो ऑब्वियसली बात आप थक जाएंगे, क्योंकि आप उस बाल्टी को जब ऊपर लेके गए हैं तो आपने वर्क किया है, ठीक है। अब आपने ऊपर आकर के बाल्टी को ऐसे टेढ़ा कर दिया, ऊपर का सारा पानी नीचे आ गया, ठीक है। बच्चों, पानी ऊपर से और नीचे आने में आपने कोई वर्क किया? नो, वो अपने आप नीचे आया है। क्या ऐसा कर सकते हैं हम कि हम यहां नीचे खड़े होकर पानी को ऐसे करें ऊपर चला जाए? नहीं, ऊपर ले जाना पड़ेगा और ऊपर से नीचे अपने आप आएगा, ठीक है। उसका रीजन क्या है? जब आप पानी को ऊपर लेके जाते हैं तो आप उस पर वर्क करते हैं, और पानी जब जहां था वहीं पे वापस आ गया तो टोटल वर्क डन पानी पे हो गया जीरो, क्योंकि जब आप गए, जब आपने उस पे वर्क किया, जब आपने उसको ऊपर ले जाके ऐसे किया तो जो भी वर्क आपने किया था वो ग्रेविटी ने वापस लौटा दिया, यानी नीचे लाने में आपने कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। तो वर्क डन ओवर ए क्लोज पाथ, क्लोज पाथ मीन्स पानी यहीं से गया था यहीं आ गया, वर्क डन इज जीरो। घर में जब पानी आता है तो आप मोटर चलाते हैं, मोटर से पानी टंकी में चढ़ता है तो वहाँ पे मोटर उस पर काम करती है, लेकिन जब आप उस पानी को यूज करते हैं तो फुल प्रेशर के पास आपके पास पानी आता है, क्या उस टाइम मोटर चलानी पड़ती है? नहीं चलानी पड़ती, क्योंकि जो भी वर्क आपने उसमें किया था वो सारा का सारा आपको वापस मिलता है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल और देता हूँ बच्चों, में दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मान लीजिए आपके पास बच्चों एक प्रोटॉन है यहां पे और एक दूसरा प्रोटॉन बहुत दूर है,
आप उस प्रोटॉन को इसके पास लेके आ रहे हैं। तो बच्चों ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को रिपेल करेगा, आप बहुत जोर लगा के और इस प्रोटॉन को इसके पास लेके यहां तक बच्चों आपने वर्क किया, लेकिन इस प्रोटॉन को छोड़ दो, ये अपने आप भाग जाएगा कि नहीं? क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो इसको भगाने के लिए आपको वर्क नहीं करना पड़ा, तो जो आपने वर्क किया था वो आपको वापस मिल गया, क्योंकि इसको भागने में वर्क करना नहीं पड़ा। तो ये दोनों के दोनों फोर्स कैसे फोर्स हैं बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, सो स्टूडेंट इफ द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज कंजर्वेटिव इन नेचर देन एफ इज इक्वल टू माइनस का डी वी बाय डी एस। कंजर्वेटिव फोर्स की ये पहचान है कि आप उसको लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्केलर क्वांटिटी, ये उसकी पहचान है कंजर्वेटिव फोर्स की। इंप्लाइज एफ डॉट डी एस इज माइनस डी वी। मैं इस डी एस को बच्चों इस तरफ ले आ रहा हूं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स फ्रॉम 1 to 2, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है बच्चों 1 to 2 एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू नेगेटिव 1 to 2 डी वी। ये वाला अच्छा देखिएगा, अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है हमारा एफ है, ठीक है, जैसे मैंने अभी दो एग्जांपल दिए थे आपको, वो दिए थे मैंने कंजर्वेटिव फोर्स के। अभी मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल देता हूँ। जैसे डस्टर है और ये डेस्क पर रखा है, मैं कहता हूँ आप इसको इधर ले गए, आप इसको इधर ले आए, आपको कुछ वर्क करना पड़ा, लेकिन आपके छोड़ने के बाद ये इधर आया नहीं अपने आप। जैसे प्रोटॉन तो छोड़ने के बाद अपने आप भाग गया था ऊपर छत पे चढ़ के, हमने पानी जब नीचे किया तो अपने आप नीचे आ गया था, लेकिन इस डस्टर को यहाँ ला के छोड़ दिया तो वापस नहीं आया, क्योंकि ये कैसा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या है? कंजर्वेटिव। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स की पहचान है कि उसको आप नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं और इसको डिटेल से आपको समझाता हूँ। चलिए थोड़ी इस बात को यहीं रोकते हैं। ठीक है, आपने पूछा है कि आपने माइनस डी वी बाई डी एस क्यों लिखा है, ओके, यही है ना आपका क्वेश्चन? ठीक, अभी पहले आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, उसके बाद मैं इसी क्वेश्चन पर आता हूँ।